भर्ती प्रक्रिया जब भी होती है तो आमतौर पर अभ्यर्थियों को तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक बार तारीख मिली और अब तारीख भी नहीं मिल पा रही है। पहले 17 तारीख थी, अब उसका भी इंतजार है। कहाँ दिक्कत आ रही है? सबसे पहले तो मेरे मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमारे बेरोजगार भाइयों की मांग रखी आपने। हम पहले सितंबर में एग्ज़ाम की थी जूनियर अकाउंटेंट की, तो अभी तक 15 गुणा की लिस्ट भी उन्होंने सीईटी की जारी नहीं की। आज सुबह हम 10 बजे से यहाँ बाहर भूखे तसे खड़े हैं। तो हम अभी दो लड़कों का प्रतिनिधियों के रूम में सचिव साहब से हमारी मुलाकात की है। सचिव साहब ने हमारी पहली मुलाकात की, सर सीईटी जनवरी 2023 में हो गई थी और अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ 15 गुणों का। तो न तो सर ने बोला कि अभी तक एक एग्ज़ाम के एक महीने पहले जारी किए जाए, तो ये नहीं पता चल रहा कि कौन तैयारी करे या कौन नहीं करे। एक तो ये सर, और फिर मैंने बोला कि सर एग्ज़ाम का अभी सितंबर में था, अभी नहीं हो रहा तो सब 23 में होना चाहिए, अक्टूबर या हमारी मांग अक्टूबर या नवंबर में, जब भी आपको उचित लगे सर। तो सर ने बोला अभी कोई कन्फर्म नहीं है, जो कि हमारी मुख्य मांग है कि सर तारीख पर तारीख दी जा रही है। बेरोजगारों की सुनने वाली न सरकार है न कोई और है, हमारी मीडिया वाले भाई सुन रहे हैं, उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने अभ्यर्थी हैं ऐसे जो इस पूरी भर्ती से जुड़े हुए हैं? इस भर्ती से यहाँ पे भी जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 1500 या 2000 के आसपास स्टूडेंट हैं और 2023 की सबसे बड़ी भर्ती जूनियर अकाउंटेंट की है। इसको सीईटी के तहत लेना है। अब तक सीईटी का एग्जाम तो हो चुका है पर उसका अब तक कोई पता नहीं है कि कौन पास है उसमें कौन नहीं है। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हो? मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आचार संहिता का कोई डर है, क्योंकि अगर प्रक्रिया की पूरी तैयारी नहीं होगी तो भर्ती में गड़बड़ी नहीं, आचार संहिता लग जाएगी तो बाद में होगी नहीं 2024 में। तो ये सितंबर 2022 में एग्जाम होना था, जो सितंबर 2023 आ गए अब तक एग्जाम नहीं हुआ, और यदि चुनाव के बाद चली गई तो फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्योंकि इतनी पेचीदगियां हैं सीईटी को लेकर। तो यदि एग्जाम अभी नहीं हुआ ना तो बाद में ये कानूनी पेचड़ा में फंस जाएगी और एग्जाम होगी नहीं, भूल जाएंगे लोग जूनियर अकाउंटेंट को भर्ती थी क्या। पंद्रह गुना वाली क्या मांग है आपकी? वो सर 15 गुना वाली हमारी ये मांग है, जैसे 15 गुने की लिस्ट दे रखी है ना उसको जारी कर दो, ताकि उसके बाद जो रिजल्ट अपना एग्जाम है वो हो सके, जो टाइम से हो सके। क्या कि बच्चा अपने गांव से निकलता है तो उसका खर्चा होता है उसको वही जानता है, उसके घर से कैसे उसको सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर्ज लेके पढ़ाई करवा रहे हैं उसको वही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। इधर को आप समझ सकते हो, मीडिया वाले आप, क्योंकि गुजर चुके हो आप उस फेज से। तो हमारी अध्यक्ष से यही मांग है सर, वाजिब आंसर दिया जाए इस चीज़ का, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड किया जाए इस बात के लिए कि एग्जाम कब है आपका, इससे हम बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से तैयारी कर सके इस चीज़। बिल्कुल, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो शहरों में रहकर या फिर यूँ कहें कि राजधानी जयपुर में रहकर पूरी तैयारी करते हैं, घर से कर्जा लेकर आते हैं, रहने का खर्चा देते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, और उसके बावजूद अगर इनकी एग्जाम की तारीख भी तय नहीं हो पा रही है तो एक बहुत बड़ा सवाल पूरे सिस्टम के ऊपर खड़ा होता है कि आखिर ये तारीख क्यों नहीं हो पा रही। और तारीख ही अगर सरकार तय समय पर नहीं घोषित कर पा रही है तो एग्जाम का क्या होगा? एग्जाम भी हो गया तो भर्ती के पूरे होने की क्या गारंटी? ये तमाम सवाल के जवाब जो है ये अभ्यर्थी यहाँ पर जानने पहुंचे, लेकिन अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिल पाया है।